यूपी की सरकार 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले 25.5 लाख परिवारों के लिए पक्के मकान का इंतजाम करने जा रही है। ये घर उन परिवारों को दिए जाएंगे जिनके पास अपना खुद का पक्का मकान नहीं है। यूपी सरकार ने आवास प्लस योजना के तहत फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 के लिए केंद्र सरकार को प्रपोजल भेजा है। उम्मीद है कि जल्द ही इस प्रपोजल को मंजूरी मिल जाएगी। ज्यादातर लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक देश के हर परिवार को पक्का मकान देने का लक्ष्य रखा है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में 2011-2012 के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर 14 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत मकान उपलब्ध करवाया जा चुका है। जो परिवार 2011-2012 के सर्वेक्षण में छूट गए थे, उन परिवारों को भी मकान उपलब्ध कराने के लिए आवास प्लस योजना लागू की गई है। आवास प्लस योजना में उत्तर प्रदेश के 32,86,000 परिवार एलिजिबल पाए गए। पहले फेज में पिछले साल इनमें से 7,32,000 परिवारों को मकान मंजूर कर दिया गया। अब ग्राम्य विकास विभाग ने बाकी 25,54,000 मकान इसी साल मंजूर करने के लिए केंद्र सरकार को खत लिखा है। यूपी के ग्राम्य विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने भी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री को इस मामले पर चिट्ठी लिखी है। केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद यूपी 2022 तक सभी आवासहीन परिवारों को मकान देने वाला पहला राज्य बन सकता है। इस योजना में एक मकान के लिए करीब 1,50,000 रुपए हर परिवार को दिए जाते हैं। इसमें 1,20,000 रुपए आवास के लिए, 18,000 मनरेगा मजदूरी और 12,000 शौचालय के लिए दिए जाते हैं। इसके अलावा यूपी सरकार सीएम आवास योजना भी चला रही है, जिसके तहत गरीबों को पक्के मकान दिए गए हैं।